तो हमें कुछ ऐसे सपने दिखाए थे होंडा ने i20 के, मतलब थर्ड जनरेशन i20 के, और बताया गया था कि ये जो गाड़ी है सेगमेंट की सबसे बेस्ट लुकिंग कार होगी और इस गाड़ी में आपको सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बेस्ट सेगमेंट फीचर मिलेंगे आपको। बट मुझे ऐसा सच होता कुछ लग नहीं रहा है। सो भाई आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे न्यू होंडा i20 थर्ड जनरेशन के बारे में। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दो बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि भाई इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उस गाड़ी की पिक्स दिखा सकता हूँ, वीडियो नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर वीडियो लगाई तो वही कॉपीराइट क्लेम की दिक्कत आ जाती है। और दूसरी बात यह कि कल मैं अपने मतलब यूट्यूब स्टूडियो खोला था तो मैंने वहाँ देखा कि जो मेरी वीडियो देखते हैं 60% नॉन सब्सक्राइब लोग हैं। तो भाई अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो भाई हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के आउटर लुक के बारे में। तो भाई जैसा कि आप आउटर लुक देख पा रहे हैं, जैसे कि हमें मतलब बताया गया था थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता हमें आउटर लुक मिल रहा है, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले आप देख सकते हैं इस गाड़ी का एक टॉप एंड वेरियंट आपको दिख भी रहा होगा, मतलब पीछे जो बैजिंग है इसमें गाड़ी में, आज तक की बैजिंग है इस गाड़ी में। तो ये गाड़ी का टॉप एंड वेरियंट, तो जो भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा वो सब कुछ टॉप वेरियंट वाला ही होगा, मतलब इसमें आपको इससे ज़्यादा कोई फीचर नहीं मिलेंगे जो भी इस गाड़ी में दिखाए गए हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। सबसे पहले जो फ्रंट लुक में आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, LED अब तक नहीं दिए गए हैं। तो भाई पता नहीं सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है ये i20 के लिए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, i20 में आपको प्रोजेक्टर दिए थे मतलब टॉप वेरियंट में, और सबसे नीचे मतलब जो नीचे वेरियंट थे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस, उसमें आपको मतलब उनमें वही हेलोजन बल्ब दिए थे। तो भाई अब तो उनके पास LED देने चाहिए थे, बट भाई उन्होंने नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक के बारे में। तो साइड लुक आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइड लुक काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और ये अलॉय व्हील का डिज़ाइन है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी ORVs भी देख सकते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एयरोडायनामिक बनाया गया है। और अगर हम बात करें गाड़ी के पीछे के बारे में, तो भाई गाड़ी का जो पीछे मतलब बैक के बारे में, तो भाई गाड़ी का बैक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको वही एक अच्छी सी मतलब जो पिक्स में दिखाई गई थी टीजर्स में वही आपको लाइन दी गई है। तो भाई बैक भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट भाई दिक्कत ये है कि इस गाड़ी में आपको मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो पहले हमें जो पिक दिखाई गई थी, मैं जो पहले बताई गई थी ऐसी गाड़ी आएगी, सबसे बड़ी कुछ लोगों ने ही नोटिस की होगी ये बात कि इस गाड़ी, ये गाड़ी जो हमारे इंडिया में आई है ये डुअल टोन नहीं है। जैसे कि आप लोग उस पिक में देख पा रहे हैं, ये गाड़ी ब्लू कलर की है, उसमें आपको ऊपर ब्लैक कलर की मतलब छत दी गई है और उसमें नीचे आपको ब्लू कलर की गाड़ी दी गई है। बट इसमें इंडिया में जो आने के बाद गाड़ी सेम आ चुकी है, मतलब एक ही कलर की आ चुकी है। और मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी में हमें सनरूफ भी मिलती है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है इंडियन लोगों को। अब हम बात करते हैं मतलब कि गाड़ी के इंजन के बारे में। तो भाई नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन इंटीरियर के बारे में। तो भाई इंटीरियर अगर चलें, तो भाई इंटीरियर गाड़ी का आप जैसे कि देख पा रहे हैं भाई, वही हमें वरना वाला मतलब सेम दिया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई मुझे रत्ती भर पसंद नहीं है, बहुत गंदा है। और यही गलती BMW ने की थी, जो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है BMW का, जो अब जो भी मतलब इंटीरियर आ रहा है, मतलब स्पीडोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस गाड़ी में हमें मतलब हमें जो प्रॉमिस किया गया था कि हमें मिलेगा एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, और उस गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो तो सेम ही है। उस गाड़ी में हमें एम्बिएंट लाइटिंग भी प्रॉमिस की गई थी, बट अभी तक भाई पता नहीं है इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग है या नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उस गाड़ी का जो हमें पहला बताया गया था, उस गाड़ी का जो इंटीरियर है आप देख सकते हैं, मतलब उसमें हमें कितना ज़्यादा अच्छा इंटीरियर दिया गया है। बट दिक्कत यह है कि इस गाड़ी में भी हमें एक ही कलर का मतलब सिंगल टोन हमें इंटीरियर मिल रहा है। अगर हमें पहली वाली से कंपेयर करें तो भाई आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहली वाली का यार, डुअल टोन इंटीरियर ब्लैक एंड बेज कलर का। तो भाई मुझे पहली वाले का इंटीरियर और स्पीडोमीटर दोनों ज़्यादा अच्छे लगे इस वाली i20 से। हाँ हैंडलिंग मुझे मतलब हैंडल इस गाड़ी का ज़्यादा अच्छा लगा, स्टीयरिंग व्हील की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर देख पा रहे हैं ये जो आपको मतलब ये छोटी स्क्रीन देख पा रही है, ये आपको छोटे वेरिएंट में मिलेगी, जो आपको जो बड़ी स्क्रीन है ये जो देख पा रहे हैं 12.25 इंच की जो आपको स्क्रीन है साइड में, वो आपको सिर्फ आस्था ऑप्शनल में ही मतलब आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगी आपको ये गाड़ी में। और इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। सो ये तो थी भाई गाड़ी के लुक के बारे में। जैसे कि भाई आप लोगों ने देखा गाड़ी के लुक हैं जो भाई बहुत ज़्यादा मतलब चेंज कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट फिर भी यार चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको सिंगल टोन में गाड़ी दे दी गई है, आपके जो मतलब आपके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वहाँ मतलब LED थे वहाँ प्रोजेक्टर कर दिए हैं, आपको DRLs का कोई पता नहीं है, वैसे मुझे पता है इस गाड़ी में होंगे DRLs। बट मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इस गाड़ी में वो है इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक, आप जो गाड़ी के मतलब हेडलाइट के जो नीचे देख पा रहे हैं जो स्कूप है, जो मतलब एयर वेंट्स हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी इस गाड़ी के। तो भाई वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो ये तो हो गई गाड़ी के बारे में, अब मैं आपको बताऊँ मेरे ओपिनियन क्या है इस गाड़ी को लेकर। सबसे ज़्यादा चीज़ भाई जो मुझे गाड़ी में चाहिए होती है पर्सनली, भाई मुझे नहीं पता लोगों को चाहिए नहीं, मुझे गाड़ी का जो पसंदीदा चीज़ चाहिए वो गाड़ी का स्पीडोमीटर, मतलब कि जो फ्रंट डैशबोर्ड होता है ड्राइवर साइड,
वो मुझे चाहिए होता है, मतलब कि जो मेरी फेवरेट, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो लगता है मर्सिडीज़ का। में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा, वो भी डिजिटल वाला, एनालॉग वाला नहीं, मुझे मर्सिडीज़ का डिजिटल वाला जो स्पीडोमीटर है, जो भी उनको कॉकपिट बोलते हैं उनको, वो बहुत अच्छा लगता है। बट BMW का जो दिया गया है, जो मतलब यार क्या है वो, बहुत गंदा है यार। वही हुंडई वालों ने चेप दिया, मतलब कॉपी किया है उन्होंने यार, मुझे सबको पता है कॉपी किया उन्होंने, तो भाई वही दे दिया। अगर उनको एनालॉग दे देते तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लुक दी जाती अंदर से, और गाड़ी में एक सेगमेंट में अलग चीज़ भी दी जाती। क्योंकि भाई अगर मैं आपको बताऊँ इस गाड़ी की और आउटर लुक के बारे में, तो आउटर लुक भाई मुझे ज़्यादा चेंज नहीं किए गए, बट फिर भी यार LED की जगह प्रोजेक्टर कर दिए, और आपको डुअल टोन की जगह आपको सिंगल टोन कर दिए, तो भाई ये तो ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट भाई पहले जो चीज़ बताई थी वो अब नहीं आई, तो थोड़ा सा तो पड़ता ही है। प्राइसिंग तो भाई अभी पता नहीं है, क्योंकि अब तक गाड़ी लॉन्च भी नहीं हुई है, बस ये जो गाड़ी है मतलब शौक यार्ड में पहुँच चुकी है। मतलब जैसे कि आपने देखा ट्रक से उतरी ही थी ये गाड़ी, तभी भाई ने किसी ने वीडियो बनाई थी, मैंने वहाँ से मतलब वीडियोज़ लिए, मतलब फोटोज़ लिए हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियोज़ लगाता तो भाई कॉपीराइट क्लेम पहले ही आ जाता, वीडियो अपलोड होने मतलब पब्लिश होने से पहले ही। तो भाई ये चीज़ें होती हैं यूट्यूबर की लाइफ में। तो भाई चलो ये छोड़ो, कोई बात नहीं, बट भाई मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। तो भाई अपने ओपिनियन देना मुझे मत भूलना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आपको क्या इस गाड़ी में ख़राब लगा और क्या आपको इस गाड़ी में अच्छा लगा। तो भाई अगर इस गाड़ी की सारी डिटेल आ जाती है जिस दिन ये गाड़ी लॉन्च हो जाती है, कंपनी सारा कुछ बता देती है, सेफ्टी फीचर, फीचर्स और आपके मतलब प्राइसिंग, तो भाई उस दिन भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी उसके ऊपर भी। बस ये तो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि जो मतलब मैंने बताया था आपको कि ये गाड़ी मेरी ज़्यादा पर्सनल फेवरेट थी। भाई आपको बता दूं, मुझे ये गाड़ी इतनी पसंद आई थी कि भाई मैंने सोचा था कि अगर पैसे हुए इस गाड़ी जितने, इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लेंगे, ब्लू कलर में लेंगे, और इस गाड़ी का 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ही लूँगा। मैंने इस गाड़ी के बारे में सब कुछ सोच रहे थे, बट भाई अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये गाड़ी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी बताई गई थी। सबसे पहले तो यार गाड़ी में जो चाहिए होता है वो लुक होते हैं, जो दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो गाड़ी का इंटीरियर होता है, और मुझे मतलब इंटीरियर पसंद नहीं आया। भाई आउटर लुक तो चलो ठीक भी है, जैसा बताया गया था वैसा ही है, बस डुअल टोन नहीं दिया है और प्रोजेक्टर मतलब LED नहीं दिए हैं। तो भाई ये तो चलो भाई छोटी सी चीज़ें मेरे लिए, तो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बाहर से फ़र्क नहीं पड़ता है जितना मुझे अंदर से फ़र्क पड़ता है। तो भाई इस गाड़ी के बारे में भाई मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई अंदर से, और गाड़ी बैठ के अंदर ही चलानी होती है, लोग इस बात को भूल जाते हैं, बाहर देख के ही गाड़ी को ले लेते हैं, अंदर नहीं देखते हैं गाड़ी के, मतलब इंटीरियर कैसा है वो नहीं देखते, बाहर लुक ही देख के गाड़ी को ले लेते हैं। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं इस गाड़ी के बारे में, तो भाई मुझे ये गाड़ी पर्सनली बाहर से अच्छी लगी बट अंदर से नहीं। तो भाई इस गाड़ी की जो डिटेल्ड वीडियो आएंगे, मतलब जो कंपनी इसको बता देगी कितनी ये मतलब गाड़ी कितने में लॉन्च हुई, क्या फीचर है, क्या सेफ्टी फीचर है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, तब तक आप वेट करना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, ये जो वीडियो थी ये मेरी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो थी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।